हाय शाक्स, मेरा नाम डॉक्टर विशाल बजाज और मैं फिरोजपुर पंजाब से हूँ। डॉक्टर सुनते ही आपको लगा होगा समवन इन बोरिंग ब्लूज, ढीले से कपड़े, हाथ में स्टेथ और सीरियस सी लुक। हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें चाहे आप जिस काम के लिए मर्जी जाएं, एक इमोशन कॉमन है और वो इमोशन है डर कि सब ठीक हो जाए। एक तो आपकी ऐसी फीलिंग्स और ऊपर से हमारे नॉन अट्रैक्टिव फर्स्ट लुक हॉस्पिटल के माहौल को ग्लूमी कर देता है। इसी ग्लूमी माहौल में थोड़ी सी पॉजिटिविटी डालने के लिए और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की लाइफ को थोड़ी कलरफुल, फंक्शनल और सेफ बनाने के लिए हम लाए हैं फैब्रिस। फैब्रिस एक मेडिकल लाइफस्टाइल ब्रांड है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म यानी कि स्क्रब्स, लैब कोट्स, स्क्रब कैप्स, पेशेंट गाउन्स और उनके रोज के काम में आने वाली सामान बनाती है। हम जो अपने स्क्रब्स में फैब्रिक यूज करते हैं वो एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि ये आपको जर्म से बचाता है। फोर वे स्ट्रेच इतना कंफर्टेबल कि बॉस आप इसमें योगा भी कर सकते हैं। ब्रीदेबल ताकि गर्मी लगने का तो कोई चांस ही नहीं। रिसेंटली हमने हमारे फैब्रिक में स्पिल प्रूफ टेक्नोलॉजी का यूज किया है, तो फिर चाहे आपकी कॉफी हो या ब्लड वो आपके कपड़ों में सोक नहीं करेगी एंड इट विल जस्ट ट्रिकल ऑफ। हमारे पास 150 से ज्यादा मेडिकल डिजाइन्स में स्क्रब कैप्स हैं। उसका नतीजा आज ये है कि 50,000 से ज्यादा लोग इंडिया में उनके सिर पे हमारी टोपी है और 10,000 से ज्यादा लोग आज की डेट में हमारे स्क्रब पहन के लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल मार्केट में US में भी शिप किया है और रिसेंटली हमने अपनी वेबसाइट US में लाइव की। तो शाक हमारी आस्क है 2.5% ऑफ द इक्विटी के लिए 1 करोड़ रुपीज। वाह, तो क्या आप जुड़ना चाहेंगे इस बूमिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री के में और इसे हमें बनाएंगे इंडिया की नहीं दुनिया की नंबर 1 मेडिकल लाइफस्टाइल ब्रांड। वाओ। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने फादर को, द डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ फैब्रिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत। मैं गिरधर बजाज, डायरेक्टर फैब्रिस। आपका शार्क टैंक में स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो आजकल आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं मेडिकल या अभी खाली बिजनेस पे ही फोकस कर रहे हैं? नहीं सर, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजपुर, 9 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई स्पेशलाइजेशन या? एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट। मैंने ये सेम बिजनेस शार्क टैंक US में देखा है, क्या आप वहीं से इंस्पायर हुए इसको देख के या? US में एक बहुत बड़ा स्क्रब्स का ब्रांड भी है, फिक्स। फिक्स। तो आपको कैसे आया ये आइडिया? सर, मैं 2010 में MD करने गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। एनेस्थेटिस्ट था तो एवरी डे चाहे ICU में है और चाहे OT में है तो एवरी डे वी हैव टू वेयर स्क्रब्स। तो वहाँ पे तो जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता था यहाँ तो वो पहनने पड़ते थे और यहाँ आप लोकल परचेज कर सकते। और फिर एक ही कलर था, वही स्काई ब्लूज। तो देन आई थॉट कि मैं अपने लिए कोई ऐसा कलर बनाऊं जो फंक्शनल हो, तो हमने नेवी ब्लू मैंने बनाया। और मेरे साथ वहां जैसे 50 से 60 लोग MD कर रहे थे डिफरेंट ब्रांचेस में, मैंने आज बनाया तो 2 महीने बाद मैंने देखा कि 70-80% लोग नेवी ब्लू पहन के घूम रहे, क्योंकि वो मैंने शुरू किया कि एक तो कलर चेंज हो गया तो उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ गई, वो जल्दी गंदा नहीं होता था, प्लस वो फिटिंग का हो गया तो बंदा स्मार्ट लगने लग जाता है, तो वो वैसा हो गया उसमें। हॉस्पिटल में किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई और कलर दिया जाए? सर, वो हॉस्पिटल्स प्रोक्योर नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल अगर आप बाजार में जाओ तो जो लो क्वालिटी का स्क्रब मिल रहा है वो 600-700 में मिल जाता है। जो हमने इंट्रोड्यूस किया है ये 3,000 रुपए का। तो लेते हैं हॉस्पिटल्स? हमारी वेबसाइट से फिर इंडिविजुअल डॉक्टर पहले खुद खरीदता है, जब वो खुद खरीद के इसकी क्वालिटी चेक करता है फिर वो बल्क में हमने हॉस्पिटल्स को भी बेचा है। ये स्क्रब्स का मार्केट कितना बड़ा है इंडिया में? 3,000 करोड़ सर। और इसमें हॉस्पिटल प्रोक्योरमेंट कितना है? 80% हॉस्पिटल प्रोक्योरमेंट। तो 600 करोड़ हो गया बचा मार्केट, ठीक है। इंडिया में कितने हॉस्पिटल्स ने आपसे खरीदे? नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इज 10। आप इंडिया का मार्केट देखो, लाखों हॉस्पिटल है, तो सिर्फ 10 क्यों आपके साथ टाई अप किया हो? मैम, अभी तक हमारे पास जो रेंज है ना ये महंगा वाला है। अब जो नेक्स्ट फैब्रिक में हम कर रहे हैं ताकि हम उसको 1100, 1200, 1300 तक लेके आए, ताकि हम हॉस्पिटल जो 700-800 का सामान खरीदते हैं उसको इस क्वालिटी का 1200-1300 तक बेच पाए। डॉक्टर साहब, एक चीज बताओ, आप चाहते क्या हो? आप एनेस्थीसिया करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो? अंदर से मेरे अंदर बिजनेस वाला खून है, क्योंकि मैं उस घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ बिजनेस ही होता। अच्छा। और जो मैंने पढ़ा है वो मैंने एक्चुअली अपने दादाजी की ड्रीम पूरी करी, कि वो चाहते थे एक बच्चा डॉक्टर बने, तो पहले मैंने उनका सपना पूरा किया है और अब मैं अपना कर रहा हूँ। अरे वाह। जब मेरे को लगेगा कि डॉक्टरी की वजह से मेरा बिजनेस सफर कर रहा है
तो मैं चौकटरी छोड़ दूंगा। और अभी आपकी क्या सेल है और कैसे होती है ये सेल? सर हमारी 70% सेल B2C है, डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। अच्छा। और हम मार्केट प्लेसेस Amazon और Flipkart पे भी बेचते हैं। Got it. और कितना बड़ा बिजनेस है? लास्ट ईयर की जो रेवेन्यू है that is 1 crore 10 lakh। पिछले महीने क्या थी आपकी बिजनेस? 12,85,000। पैसे घर में कितने बचे 12 लाख में से? नेट इज 20%। 2.5 लाख घर में बचा? हाँ। और आपने 40 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई है इस बिजनेस की, तो क्या लॉजिक लगाया आपने उसमें? सर 2018 में जो फर्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसकी सेल्स थी हमारी 9 लाख, सेकंड ईयर की सेल्स थी हमारी 67 लाख, देन लास्ट ईयर हमने क्लोज किया इट इज 1 crore 7 lakh rupees, और इस साल का हमने एस्टिमेट किया था 2 crore, पर हम उसमें से ऑलरेडी 70 lakh rupees कर चुके हुए हैं इस साल, और हमारे पास एट प्रेजेंट US का ही 50 लाख का ऑर्डर है। लेकिन 40 करोड़ तक कैसे पहुंचे आप वैल्यूएशन में? अगर हम इस साल 2 crore अचीव करते हैं, अगर नहीं जो कि हम कर लेंगे सर, क्योंकि ऑलरेडी हम 70 लाख कर चुके हैं। अच्छा। नेक्स्ट ईयर का हमारा टारगेट होगा 4 crore, और अगर हम 4 crore अचीव करते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आती है नेट रेवेन्यू दैट इज 1.20 crore। 1 crore पकड़ते हैं क्योंकि आगे जाके है ना प्रॉफिट, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, तो 2 साल के आगे की प्रॉफिट का आपको 40 times वैल्यूएशन चाहिए। ये तो कहीं का भी वैल्यूएशन का हिसाब किताब नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मांगने को गया है। नहीं, मैं खाली आपका लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर विशाल गिरधर जी, मैं आउट हूँ इस बिजनेस से, क्योंकि मुझे अभी तक आपका सीरियसनेस और फोकस अभी तक लग रहा है कि अभी नहीं है, अभी लग रहा है कि जो चल जाए तो ठीक है, नहीं चले तो भी ठीक है। 8 से 2 अगर मैं वहाँ जाता भी हूँ ना, मेरा ध्यान यही काम है, तो फिर अच्छा नहीं है ना, आप गलत इंजेक्शन लगा दोगे किसी को। आप वहां सोच रहे हो कि मेरा कपड़ा डाल दिया अंदर किसी के, तो हो गया कांड। हॉस्पिटल इंडस्ट्री और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स को मैं काफी हद तक जानती हूँ, बहुत बहुत कॉस्ट प्रेशर है। इवन इफ आप 1100 तक लेके आएंगे और उन्हें 700 में खरीदने की आदत है, फिर भी बहुत बड़ा फर्क है। तो ये जो बिजनेस है जहाँ 80% आपका बिजनेस इंडिया में हॉस्पिटल से आएगा, मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो उसके वजह से मुझे वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे नहीं लगता लोग ब्रांड की वजह से ले रहे हैं। डॉक्टर्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आके ले रहे हैं। Yes, पर इवेंचुअली बड़ा मार्केट वही होगा जब हॉस्पिटल्स इसको प्रोक्योर करेंगे, जिसे नमिता ने कहा। आज मैं इससे बाहर हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर विशाल, पहली बात तो फिरोजपुर में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करके यू नो साइड में एक बिजनेस खड़ा करना, वो भी 2 crore तक पहुंच गया है, बहुत ही अमेजिंग बात है। ये एज अ D2C ब्रांड विद प्रीमियम स्क्रब्स कितना बड़ा बनेगा, अभी मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है। एंड आप अर्ली स्टेज हैं एंड फुल टाइम भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आऊँ। मुझे लगता है एक तो आपकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, अनरीजनेबल, और दूसरी बात ये मार्केट छोटी लगी। 600 करोड़ का हमने आंकड़ा शुरू में ही स्थापित किया था, तो उसमें एक बड़ा धंधा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जिस टाइप से कर रहे हो ना, इसको शायद आप कैश फ्लो का बिजनेस बना सकते हो। अगर 3 गुना बढ़ जाता है तो 6-8 lakh rupees, 10 lakh rupees महीने का कमा सकते हो। तो इट्स नॉट अ बैड बिजनेस, सिर्फ इन्वेस्टेबल नहीं है मेरे नज़रिए से। तो इस वजह से मैं आउट हूँ, लेकिन बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिजनेस बनाया, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू गिरधर जी, नमस्कार। Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.